वन स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3। हमने जो प्रीवियस इसके 4 पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए, आज हम थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। दोबारा से एक बार हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें लिखा है अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने पहले x मान लिया न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर y, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x ओवर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली बार लिखा है उसमें दो बार 2 ऐड करना है, x में भी और y में, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर, वो बनता है 9/11, फिर 3 ऐड करना है। वो क्वेश्चन की टर्म एंड कंडीशन दी है हमारे पास। अब हम सॉल्व करेंगे, हम जब वन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला फ्रॉम वन, तो वन जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2 आ जाएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 82। जब 9y इस साइड आएगा, इसी से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर x 22 इस साइड आएगा, 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस का 22, x इक्वल टू 9y, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा अपॉन 11। पहले हम क्या किया, 11x लिखा, 22y यहां से, y 18, 11x 9y यहीं से 18, ये साइड को आया माइनस किया 4, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब जो x की वैल्यू है वो 2 में पुट कर दी है, 2 को पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई वाई प्लस 3, हमारे पास आता है 6x 18 5y प्लस 15। तो मैं रियलाइज कर लेता हूं 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, तो आ गया कितना 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, अब हम ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जब ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 9y माइनस 4 ओवर 11 माइनस 5y माइनस 3 रहता है, तो आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 54/24, एलसीएम भी ले लिया साथ में 55/11 माइनस का 3। अब हमारे पास नेक्स्ट सूप रहेगा, इसमें सॉल्व कर लेते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट किया 1 माइनस का वाई, फिर माइनस का 24 इक्वल टू 11 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस की माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33 प्लस का 24 सब्सट्रैक्ट किया, हमारे पास 11 आता है माइनस का y की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू क्या आई 11। हमारे पास हमने जब सब्सट्रैक्ट किया माइनस 33 और हमने जब सब्सट्रैक्ट किया इन दोनों को 9 बचा, माइनस का टिकट किया 9,
अब हम जो y की वैल्यू है वो पुट करेंगे हमारे पास आया था x इक्वल टू 9y x इक्वल टू 9y माइनस 3 ओवर 11 तो 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 ओवर 11 81 मल्टीप्लाई 3 तो सॉरी 4 था 3 के प्लेस ठीक है ना 4 था थोड़ा ये आ गया 77 कट किया तो 7 हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बच जाता है वो a के ऊपर है प्रश्न नंबर 3 का 6 पार्ट है तो लिखा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन व्हाट आर देयर एज हमें पहले एज माननी है लेट जैकोब प्रेजेंट एज लेट प्रेजेंट एज जैकोब की प्रेजेंट एज रहेगी वो एक्स और जैकोब सन से उसके सन की एज रहेगी वाई और फाइव ईयर हेंस फाइव तो 5 साल बाद क्या होगा उनकी एज में प्लस हो जाएगा देखो फिर एक्स प्लस 5 और सन की एज क्या रहेगी वाई प्लस और उसके बाद जो क्वेश्चन में रह गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 5 ईयर एगो भी था वैगो के साथ में ही कर लेते हैं फाइव ईयर एगो में उस केस को हम माइनस करेंगे तो ये यहां राइट कर रहे हैं जैको केस कितनी आ जाएगी एक्स माइनस 5 उसके सन की एज कितनी आ जाएगी वाई माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं कितना टाइम था उसकी एज तो पहली बात थी 3 टाइम दूसरी बात थी 7 टाइम तो टाइम में हम क्या करेंगे एक्स प्लस 5 वाई प्लस 5 तो ये थी 3 टाइम ये फर्स्ट टाइम है तो सॉल्व किया 3 वाई प्लस 15 आया तो एक्स प्लस x माइनस 3y 15 माइनस 5 10 x माइनस 3y इक्वेशन नंबर 1 आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो एगो से था वो 7 टाइम वो कितना था 7 टाइम तो अब लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम था तो वाई माइनस 5 तो एक्स माइनस 5 7 बाई 35 7 बाई 35 प्लस 5 माइनस 30 इक्वेशन नंबर 2 दोबारा से अपनी वैल्यूज निकाल लें और वैल्यूज पुट कर लें तो हम अभी हम इक्वेशन नहीं मिल रहा है लास्ट टाइम की वजह से अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें
फ्रॉम वन लिखेंगे तो हम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही कर रहे हैं, तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू टेन प्लस थ्री वन, ये थ्री आ गया। दिस पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टू, तो एक्स इन टू डाला तो एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन वाई माइनस का थर्ड, तो यहां से इसको माइनस किया तो आ गया फोर वाई माइनस का माइनस थर्टी माइनस टेन, तो आ गया फोर्टी माइनस फोर, माइनस से माइनस कर दिया, फोर से कट दो टेन, वाई की वैल्यू क्या आ गई टेन। जो अब हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी आई 10, वो हम पुट कर देंगे जाके इस इक्वेशन जो हमने वैल्यू निकाली किस चीज की x की फ्रॉम से, हमारे पास आया था ये थ्री, हम वैल्यू डाल रहे हैं y की इधर, तो आ जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो x इक्वल टू 3 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40, तो एक्स की वैल्यू 40 आई और वाई की वैल्यू 10 आई। हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। थैंक यू।